नमस्कार, मी प्रणाली कापसे. आयबीएन लोकमतच्या या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मायानगरी मुंबईच्या अगदी मध्यभागी वसलेल्या धारावीतले रहिवाशी गेले कित्येक दशकं विकासाची वाट पाहत आहेत, पण धारावीकरांच्या विकासाचा आराखडा तयार होत असताना त्यांना विचारात घेतलं जात नाही. धारावीकरांच्या मनात नेमकं काय आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न या वृत्ताच्या निमित्तानं आम्ही केलाय. विकास या शब्दानं आजवर अनेक राजकारण्यांना यश मिळवून दिलं, पण सर्वसामान्य आणि गरिबांना मात्र या शब्दानं आजवर हुलकावणीच दिली आहे. चकचकीत दिसणाऱ्या या मुंबईच्या अगदी मध्यभागी बकालपणाचं साम्राज्य पसरलंय. दशकानुदशकं इथली माणसं विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे. या भागाचं नाव आहे धारावी. काय आहे धारावीकरांच्या विकासाचं स्वप्न पाहूयात. धारावी एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी है, जिसके नाम से पूरी दुनिया में ये जाना जाता है. धारावी में रहने वाले लोग कई सालों से उन्होंने धारावी के जितने भी यहाँ पे खाड़ी थे उसको उन्होंने भर के रहने के लिए अपना घर बनाया. घर बनाने के बाद जब यहाँ से लोग पहले जब गुजरते थे तो लोगों को धारावी के नाम से उनको तकलीफ होती थी, लेकिन आज धारावी में इतने उद्योग रहने के कारण, यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज होने के कारण यहाँ पे सभी समाज के लोग रहते हैं. मेरा नाम संतोष वर्मा है. लोग प्यार से बोलते मुझे छोटा रिचार्ज. ये लोगों का प्यार है जो मेरे लिए उमड़ हमेशा उमड़ते रहता है. और मेरी दो टैक्सियाँ हैं जो ड्राइवर चलाते हैं और उनका पैसा आता है, बट मैं पूरा दिन सोशल वर्क करता हूँ. आइए मैं अभी आपको अपना घर दिखाता हूँ कि संतोष वर्मा उर्फ छोटा रिचार्ज का घर कैसा है और मैं किस परिस्थिति में रहता हूँ. आप ये जरा देखिए, ये मेरा घर है, बट ये देखिए गटर का जो पानी है वो गटर का ओवरफ्लो होकर यहाँ तक आता है और यहाँ भर जाता है. यहाँ पर इतना घुटने तक पानी होता है, हमको सोने का, रहने का, खाने का सब मुसीबत हो जाता है. यहाँ पर इतना यहाँ प्रॉब्लम है. यहाँ के नेताओं ने कुछ नहीं किया हमारे लिए. पूरा बड़ा झोपड़पट्टी है, आपको जो चाहे वो यहाँ मिलेगा और सस्ते दामों में मिलेगा. सस्ते दामों में यहाँ पे इडली का बिजनेस है, फरसान का मार्केट है, झाड़ू यहाँ बनती है, झाड़ू यहाँ बनती है. आपको पूरे मुंबई के अंदर, पूरे इंडिया में जो भी चीज़ आपको यहाँ पे बनती है. ये यहाँ पे लटकने का एक काम होता है. ये देखिए, ये जो बड़े बड़े मतलब दुबई में, बाहर गाँव में, पूरा वर्ल्ड के अंदर ये सब चीज़ जाता है यहाँ से. अगर नहीं नहीं कर रहा है, सामने वाला नहीं दे रहा है, तो हमें उपचार सूत्र तो चाहिए ही चाहिए. अगर नहीं दे रहा सामने वाला, उसका बोल रहा कि भरपाई करो 100 स्क्वायर फीट का, तो करेंगे क्या करेंगे. या तो 300 फीट ले, नहीं तो फिर करके देना पड़ेगा. तो हमको जरूरत है ज़्यादा जगह का, तो देना ही पड़ेगा. तो करेंगे उसको ऐसे करेंगे. अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब नहीं तैयार हैं. ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो हम अकेले करके क्या करेंगे. मेरे अकेले से कुछ होने वाला नहीं है. अगर मुझे ज़रूरत हो, मैं बोल रहा हूँ चलो भाई 100 स्क्वायर फीट का मैं दे सकता हूँ. जी 100 स्क्वायर फीट का दे सकता हूँ, लेकिन बाकी लोग क्या सोच रहे हैं उसका तो मैं बता नहीं सकता. धारावी 527 एकड़ स्क्वायर फीट में बसी हुई है. ये बहुत बड़ी संख्या में धारावी के लोग यहाँ पर रहते हैं. गवर्नमेंट के ऑन द रिकॉर्ड के कारण धारावी में उन्होंने सिर्फ 60 से 70 हज़ार झोपड़े दिखाए, और धारावी की वोटर लिस्ट के अनुसार गवर्नमेंट ने जो सर्वे किया उसके हिसाब से उन्होंने लगभग 3 लाख वोटर रजिस्टर दिखाए, लेकिन यहाँ की संख्या लोगों की इससे ज़्यादा है. कितने दिन से बना रहे हैं पानीपुरी? ये पानीपुरी बहुत दिन से बना रहे हैं, 30 साल हो गए, 30-35 साल. बिजनेस की देगा 5-6 हज़ार का करते हैं. अच्छा, ये बताइए घर है क्या धारावी में आपका? यही है. तो यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे रहते हैं? हाँ, ये इसी पे खाना पीना सब काम धंधा सब इधर ही हमारा होता है. कितने लोग रहते फिर इधर? इतना जन है, जितने जन है, ये जे जितने दिख रहे वो सब जन? हाँ, सब जन. पर लगता है मिलेगा, 10 साल हो गए. मिलेगा 10 साल हो या 20 साल हो, मिले नहीं सबको मिलेगा ना, तो हमको भी मिलेगा.
जी, कितना बड़ा घर चाहिए, कितने स्क्वायर फुट का घर चाहिए आपको? 400 फुट का चाहिए सर। अच्छा, 400 फुट में आपका धंधा सब लोग हो जाएगा एडजस्ट? सब होएगा, फिर उसमें करेंगे ना, अभी इतने में हम लोग कर लेते हैं जी, वैसा उसमें भी बड़ा थोड़ा रहेगा फिर भी चलेगा। अभी आप जो पानी पूरी बनाते हैं ये कहाँ ले जाकर बेचते हैं? ये मस्जिद बंदर में बेचते हैं, डेली हमारी उतना आर्डर आता उतना ही हम लोग माल बना के वापस दे देते, नहीं बच गया तो कचड़े फेंक देते हैं। दिक्कत तो होती है कंधे पे, थैला डालते हैं कंधे पे, पटरी किधर जाएंगे, ब्रिज किधर, वहाँ से उठाते फिर अपना स्टेशन जाते। और रोज इतना कमा लेते हैं कि इतने लोगों का परिवार पाल सके आप? सबका उसी में सबकी पगार है, अपना अपना भी खर्चा सबका देखते हैं, अपना गुजारा करते हैं, क्या करेंगे। इधर कोई अंदर घुसने का राजी नहीं आता है, अपना काम होता वोट मिलता है बस, उनका पेट भरा बाकी गया, क्या करेंगे, कोई देने वाला है नहीं देता है। मैडम प्रॉब्लम यहाँ बहुत है, यहाँ बाथरूम का फैसिलिटी नहीं है सही से, गटर आप देख ही रहे हैं, गटर की हालत आप देख लीजिए, ये गटर यहाँ का, ये गटर का यही हालत है यहाँ पे। सावजी ट्रॉली भी ना मैडम रात को 11 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद में लोगों को फिर तो ये रेलवे ट्रैक पे जाना पड़ता है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। बारिश में मैडम यहाँ पे कम से कम इनसे सबके घर में पानी भर जाता है, और कम से कम यहाँ पे इतना पानी भरता है, इतना यहाँ पानी भर जाता है कि आदमी यहाँ पे रह नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये बनाया हुआ है? यस मैम, ताकि पानी अंदर नहीं जावे। भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, कितना साल हो गया, आधा उम्र बीत गया हमारा, 50 साल होने का है, आधा उम्र गया हम लोग का। फिर बोलते बोलते करते करते सब बीत गए, जिंदगी बीत गया हमारा झोपड़पट्टी, अभी क्या होने वाला है? जिधर नहीं होता उधर तोड़ मोड़ के बिल्डिंग बना दिया, बिल्डिंग दे दिया रूपम को, उधर सब देखो एक एक को 15 लाख 10 लाख चेक दे के घर से बाहर निकल के 2 साल के बाद घर ले लेना। मैं उधर काम करती, मेरे को सब पता चला, क्या पता, भगवान जाने, अभी बड़े लोग को मालूम, हम लोग को गरीब लोग जो करने का बोलेंगे डर के मारे सब कर दिया था यार, फाइल दिया 300 रुपये, पैसा भी भरा, सब फोटो वीटो सब दिया, फॉर्म भरा, साइन किया, 2 बार फाइल बनाया, अभी बिना पैसा पूछना, जोरस करने वाले भी पैसा कमाया, फॉर्म भरने वाले भी पैसा कमाया, फाइल बेचने वाले भी पैसा कमाया, क्या किया गरीब लोग का, काय करणार एखादं बाथरूम असलं वगैरे तिथं जावंच लागतं, हे तर बंदच राहतात ना, मग पाणी नाही तर, पाणी नाही राहतं, 9 बजे 10 बजे टॉयलेट जाना हो तो अभी हम लोग का मजबूरी दबा के बैठो किधर जाएगा, पटरी में भी रास्ता बंद कर दिया, ये तो पटरी में जाता था पब्लिक, अभी दीवार कर दिया उधर, मालूम है ना, कभी हम लोग तो सोचते कभी बाथरूम खुलेगा, कभी सुबह आएगा हम लोग पेट फूल जाता, हम लोग को तकलीफ हो जाता है, क्या फायदा, फिर यही बोलता क्या किया क्या नेता लोग ने, जरूरत रहते तो फाइल फड़ाला, ये तो करतो काय, क्या करता क्या, मैं तो सीधा खोलती हूँ ऐसे, अभी एक दिन तुआ वाला कच्चे वाला वो छाल वाला लोग के घर पे जाता है, छाल पे जाता है, इधर नहीं आता, फिर एक आदमी को सुनाई अच्छे से, पैर पड़ने को गली गली आता है, बिल्डिंग वाला लोग है वो लोग, छाल में रहने वाला, उधर कचरा कुंडी वाला जाएगा, तुआ वाला जाएगा, दवा मारने वाला जाएगा, हम लोग इंसान नहीं है। आता घेऊयात एक ब्रेक, आणि ब्रेक नंतर पाहणार आहोत धारावीकरांच्या समस्या नेमक्या काय आहेत। धारावीतल्या लोकांना घर नाही, रस्ते नाही, हॉस्पिटल नाही, किंवा एखादी चांगली शाळा सुद्धा नाही, पण तुम्हाला ऐकून हे आश्चर्य वाटेल की धारावीतल्या एकाही घरात शौचालय सुद्धा नाही। विकासाच्या बाबतीत गड्या आपला गावच बरा असं म्हणण्याची वेळ इथल्या लोकांवर आली आहे। तरीही अनेक जाती धर्माचे लोक इथं आपापल्या व्यवसायात मग्न असतात। प्रत्येक व्यावसायिकांच्या समस्या वेगळ्या आहेत आणि विकासाचं स्वप्नही। यहाँ पे डेवलपमेंट का मैं सिर्फ यहाँ पे टॉयलेट ही बना है, और टॉयलेट भी सिर्फ बना है पैसा कमाने के लिए, कम से कम दिन का 5,000 का यहाँ का रोज़ का गल्ला है, 5,000 रुपये का इनकम है, ये आधा पैसा निताब हो जाता है, आधा यहाँ के उनके चिल्ले चपटक हो जाता है। 12 बजे का यहाँ पे टॉयलेट का कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है, यानी कि अगर लोगों को अगर बाथरूम लगता है तो लोग अपने घर में ही करेंगे, बाहर तो उनको कोई चांस नहीं है कहीं पर भी। एकनाथ गायकवाड़ साहब का नाम मंत्री तौर के अपना संसद मंत्री तौर के पर रखा गया है, जल्दी जल्दी, ये लाल चाल है मैडम, गंगाधर लाल चाल, ये टाटा पावर के नीचे आता है मैडम, ठीक है, यहाँ पे पहले बोला जा रहा था कि यहाँ पे यहाँ के लोगों को यहाँ पे घर नहीं मिलेगा, धारावी में
बट अब उस इशू को हमने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है कि हमको टाटा पावर की जगह हमारा घर तो क्यों नहीं मिलेगा। तो इस मुद्दे को हमने लेके डी आई पी साहब में हमारा बात हुआ तो उन्होंने ये हाईलाइट किया कि आप हमको अभी घर देंगे। पहले इन्होंने बोला कि आप डी आई पी से बाहर हो, बट आज हमने हमको अपने प्रोजेक्ट में ले चुके हो। कुम्भारवाड़ी को कम से कम 100 साल से ऊपर हो गया है, कम से कम 110 साल तो हुआ होगा, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था, तो यहाँ लोग आने के लिए रहने के लिए भी डरते थे। तो हमारे समाज वाले ने डेयरिंग करके यहाँ धारावी को बसाया है। तो आज आप बोल रहे हो कि आज सरकार बोल रही है कि धुआं से प्रदूषण फैलता है, तो उस टाइम पे भी था ना। तो जो इस धारावी का विकास हुआ है वो कुम्भार समाज से ही विकास हुआ है धारावी का। तो ये हमारे समाज वाले हैं वो अपना धंधा भी नहीं छोड़ेंगे या ये जगह छोड़ के किधर जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर सेंटर, वेस्टर्न और हार्बर तीनों लाइन यहाँ से बरोबर पड़ती है, तो ये लोग का धंधा के लिए मेन एरिया यही है। अगर दूर धंधा देंगे तो कुछ धंधा होने वाला नहीं है, फिर फ़ायदा क्या है, धंधा करके ही फ़ायदा क्या है। और हमारा तो वंश परंपरागत तो ये धंधा ही है, तो और तो हम लोग दूसरा कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ के काफ़ी लोग हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं है, ये धंधा पे ही उनका जीवन गुजारा होता है। हमारे समाज के यहाँ पर कम से कम 2000 घर तो रहेंगे, 2 से 2500 घर है जी। ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी कम करने वाले है, मिट्टी कम करने वाले लोग हैं। बाकी के जो बच्चे लोग हैं आज का, वो थोड़े पढ़ाई लिखाई वाले रहते हैं, कोई सर्विस करते हैं, कोई जाते हैं शिप में जाते हैं ऐसा जी। और जो ये माटी का काम का है ना, तो उसके लिए सरकार अभी बोल रही है कि हम 300 स्क्वायर फुट जगह देंगे, तो 300 स्क्वायर फुट में कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर देखो आपके सामने ही है, यहाँ पर कितना जगह चाहिए। यहाँ हमें माटी भिगाना पड़ता है, माटी भिगाने के बाद में उसको गाल के सुखाना पड़ता है, सुखाने के लिए भी काफ़ी जगह चाहिए, मगर फिर भी इतनी छोटी सी जगह में हमारे लोग धंधा कर रहे हैं। और उसके बाद में उसको जैसा हम आटा भिगोते हैं, आटा मलते हैं, वैसा भिगो के मल के बाद में वो मिट्टी का गोला बनाया जाता है। गोला बनाने के बाद में बर्तन बनते हैं, बर्तन बड़े बर्तन को तो छोटी जगह भी चल जाती है, मगर ये छोटे छोटे जो बनाते हैं हम सुगड़े अभी, इसके लिए तो काफ़ी जगह चाहिए जी। और उसके बाद में इसमें बर्तन पकाए जाते हैं सूखने के बाद में जी। तो इसलिए 300 स्क्वायर फुट जगह में तो कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम धंधा के लिए भी 600-700 फुट जगह तो चाहिए रहने के लिए। तो ठीक है, चलो कैसा भी एडजस्ट कर लेंगे, वो लोग छोटी जगह में भी रह रहेंगे, मगर धंधा करने के लिए तो जगह चाहिए ही चाहिए। कितने साल से रह रहे धारावी? मेरे पिताजी हो गए अभी 100 साल भी हुआ होगा, अभी मेरी 55 उम्र इधर ही है, जन्मभूमि मेरी इधर है। मेरे वैसे मेरे बड़े भाई लोग थे गुजर गए, वो लोग की भी जन्मभूमि यहाँ है। वो रोजी रोटी तो चाहिए पहली, रोजी रोटी नहीं तो फिर घर क्या करने का, घर के तो काम दे जो अपने 2 पैसा नहीं मिलेगा मेहनत करके, उसमें अपना नहीं चले तो अब गुजारा कैसा होएगा। हमारा तो मेहनत तो करके खाना ही है, बराबर है, हमारा रोजी रोटी तो पहली चाहिए। भट्टी पकाने, भट्टी आपको देखा आपने, मट्टी रखने की जगह चाहिए, मटका सुखाने के लिए जगह चाहिए, और अपने काम करने के लिए भी जगह चाहिए। तो हमारा तो जो जगह जितनी जो होगी जास्ती वही हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। अभी हमको थोड़ी जगह देगा तो उसके अंदर कैसे हम लोग काम करें, हमको मट्टी बनाना पड़ता है, मट्टी पकाना पड़ता है, मटका सुखाना पड़ता है, सब चीज़ की हम लोग को जरूरत पड़ती है। ये तो हमारा बाप दादे का धंधा है, ये तो हमारा जो बूढ़े लोग गुजर गए वो लोग भी धंधे में कर करके हम लोग भी यही कर रहे हैं। कल हमारे बच्चे लोग कोई भी सीख जाएगा तो उसको भी करना पड़ेगा धंधा, ये तो हमारे जो परंपरा चल रही आ रही है धंधा है। आज ये नया तो हम लोगों ने खोला कि भाई आप लोगों नया धंधा खोल के तुमने बैठ गए ले से करके, ये तो हमारे जो बुजुर्ग के बुजुर्ग बुढ़े के बुढ़े हो गए वो लोग सही धंधा चल रहे, और हम लोग कुमार ही है ना, हमारा तो दूसरा धंधा लाइन तो है ही नहीं, धंधा छोड़ के किधर नहीं जा सकते हम लोग। आपके धंधे के लिए धारावी अच्छी जगह क्यों है? धारावी के अंदर क्या है, ये एरिया के अंदर सब कुछ, ये एरिया के अंदर सब कुछ अपनों सब लागू गिरता है, उसके लिए कुछ भी इधर जाना आना रहता है, ये एरिया अपनों लगता है। अभी हम लोग किधर किधर डूंगर साइड पे किधर कोने में डाल दिया तो हम लोग का माल भी पहले तो कोई लेने को नहीं आएगा, पहले तो हमारा माल ले लेगा, जो अभी समझो कि चर्चगेट से आना तो इधर सीधा एरिया गिरता है, अभी थाना से आना हो ये इधर साइन स्टेशन गिरता है, अभी सब एरिया से सब इधर माल लेने को आता है। अभी किधर हम लोग जंगल साइड में डाल दिया, किधर कोने में डाल दिया तो माल लेने के भी माल भी हमारा सप्लाई भी कम हो जाएगी धंधे की। आता घेऊयात एक ब्रेक आणि ब्रेक नंतर पाहणार आहोत धारावीकरांच्या नेमक्या अपेक्षा काय आहेत। धारावीच्या विकासाचे आराखडे आजवर फक्त कागदावरच राहिले आहे,
काहींनी मतांच्या राजकारणासाठी हे आराखडे रखडवले असा आरोपही स्थानिक करत आहेत. आराखडा बनवताना आमच्या मतालाही किंमत द्या अशी स्थानिकांची मागणी आहे. पण थकलेल्या डोळ्यांना आणखी किती स्वप्न दाखवणार असाच प्रश्न स्थानिक येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येकाला विचारत आहेत. लग्न करीन तमे धारावी मध्ये आयवा ता ने लग्न करीन अधा काही धारावी मध्ये साले होते लग्नाचे देश मा लग्न देश मा चा हां लग्न गावी झाले आणि लगेच इकडे आले धारावीला. मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे रहते हैं. यहाँ पे लेदर की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है. लेदर के इंडस्ट्रीज के अलावा यहाँ पे गारमेंट्स है, पापड़ है, कुमार समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं. अब यहाँ की समस्याओं, अब यहाँ की पब्लिक जिस तरह सभी जगह पर डेवलपमेंट हो रहा है, धारावी के लोग भी चाहते हैं कि कम से कम हमें भी रहने के लिए एक अच्छा घर, हमें अच्छा स्कूल, हमारे अच्छा हॉस्पिटल, ये सारी सुविधा हमें यहाँ पे मिले. क्योंकि ना धारावी में कोई अच्छा सा स्कूल है, ना यहाँ पे कोई अच्छा सा हॉस्पिटल है. मैं तो यहाँ पे बर्थ प्लेस है मेरा, और ये बिजनेस हमारा कम से कम 35 साल से यहाँ पे है. और रीडेवलपमेंट का चक्कर जो है ना, ये 25 साल से धारावी में चल रहा है, लेकिन आज तक सर्वे ये सब के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया. मुझे उम्मीद भी नहीं है इस गवर्नमेंट से कि वो ये कर सकती है. ये अगर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट बिल्डर को मुनाफा देती है कि वो लोगों तक वो मुनाफे को पहुंचा है, तो 99% चांसेस है कि धारावी डेवलप हो जाएगा. नहीं तो मुझे तो नहीं लगता. कांग्रेस ने जो पॉलिसी लाई कि यहाँ के लोगों को पात्र अपात्र का इशू, हमारा कहना है कि जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये स्ट्रक्चर आज से 40 साल पहले जूनी स्ट्रक्चर बनी हुई है. रहने वाला कोई भी इंसान हो, स्ट्रक्चर को देख करके, आप उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स देख करके जो धारावी करें उनको धारावी में ही जगह मिलना चाहिए, यह हमारा सबसे पहला मांग है. धारावी के लोगों को अभी तक 2004 से लेकर के 2014 तक जो भी स्कीमें लाई गई, धारावी के लोगों को विश्वास में लिया नहीं गया. धारावी में रहने वाले ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं. इतने पढ़े लिखे नहीं होने के कारण हम सभी को, स्लम में रहने वाले लोगों को प्रॉपर गवर्नमेंट के लोगों ने जानकारी नहीं दी. इन्होंने जब 7 सेक्टर की योजना लाई, वो भी आज काम रुका हुआ है. हम धारावी करके यही मांग है कि अभी जो सरकार आई है, उन्होंने जिस तरह से अभी 4 दिन पहले ही उन्होंने हम सभी को आश्वासन दिया, हम लोगों को एक रोशनी दिखाया कि धारावी का हम विकास करेंगे. हमारा एक ही कहना है कि जो भी योजनाएं गवर्नमेंट ने पहले लाई है, उस योजना के तहत SRA के मार्फत से इसका रीडेवलपमेंट किया जाए, ताकि जल्द से जल्द धारावी करों को अच्छा घर, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा रहने की सारी सुविधा उपलब्ध की जाए. धारावीकरांच्या या अपेक्षा पूर्ण होणार का आणि कधी पूर्ण होणार हेच आता पाहावं लागणार आहे. या विशेष कार्यक्रमात इथेच थांबूया. अचूक बातमी, ठाम मत, पहा फक्त IBN लोकमत.